Hello. Hello. हेलो बच्चों क्या हाल चाल कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे उम्मीद करता हूं जहां कहीं भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे एकदम मस्त होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर व्यस्त होंगे आपने देखा कितनी आसानी से कितनी आसानी से मैंने एक स्टेटमेंट लिखा प्रॉब्लम्स आर बैड लक अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत रियलिस्टिक स्टेटमेंट है मेरी और आप में से लगभग अधिकांश बच्चों की यही थिंकिंग होती है हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं हम कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इसका मतलब पक्का हमारा लक खराब है बहुत रियलिस्टिक स्टेटमेंट है लेकिन तुमने देखा मैंने कितनी आसानी से इस बैड लक को काटा और इसको रिप्लेस कर दिया गुड अपॉर्चुनिटीज से और स्टेटमेंट जो है वो ऑल दो रियलिस्टिक नहीं है बट काफी पॉजिटिव और काफी मोटिवेटिंग स्टेटमेंट बन गया प्रॉब्लम्स आर indeed गुड अपॉर्चुनिटीज खैर यहां पर मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं यहां पर मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव थिंकिंग वाले साइकिल के अंदर कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है मैंने आपको कहा इससे आपको यह रियलाइज नहीं होगा कि हाँ प्रॉब्लम्स आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं लाइफ में खुद जब आप प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे बस थोड़ा सा सब्र रखना थोड़ा सा सब्र रखना और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्शन अपने एक्शन के ऊपर फोकस करना आप बोलोगे सर हमें तो ऐसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जहां पर हमारा काम ही बंद हो जाता है पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती है जिससे पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता तो ऐसे समय पर क्या करें तो ऐसे समय पर वो करना जो मैंने किया आप जितना हो सके जैसा हो सके बिना किसी प्रेशर के जितना हो सके उतना काम करना स्टार्ट कर देना कहीं ना कहीं आपका एक्शन जो है वो नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करने के अंदर आपकी मदद करेगा तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स हैं आप खुद रियलाइज करोगे मैंने खुद ने अपनी लाइफ के अंदर रियलाइज किया है कितना भी आपको लगता हो कि आपका लक खराब है लेकिन प्रॉब्लम्स अगर आप सब्र रखोगे अपने एक्शन के ऊपर फोकस बनाए रखोगे इंतजार करोगे और जो भी कुछ किया जा सकता है कनेक्ट लुकिंग बिहाइंड कि यार वही प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज थी तो यहां पर एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि मैंने अपनी जिंदगी से सीखा और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आप लोगों से यह भी शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग आज और बिफोर फर्स्ट ऑफ जेन क्या क्या करने वाले हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पर मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो मैं पिछले दो दिन से आपको नहीं पढ़ा पा रहा था क्लासेस नहीं ले पा रहा था और मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कहना चाहूंगा कि इस तरीके के जो ब्रेक्स हैं एक दिन के दो दिन के वो मैं लेता रहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक ऐसे फेज से गुजर रहा हूं जहां पर मैं बिल्कुल भी वो काम नहीं करना चाहता जो कि मेरा करने का मन नहीं है मेरा मन होगा पढ़ाने का तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि सब लोग पढ़ा रहे मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि इस YouTube चैनल की ग्रोथ के लिए वो जरूरी है मेरे लिए अभी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है आप लोगों के सामने आने का और आप लोगों को पढ़ाने का वो ये है कि मेरा अंदर से मन करता है मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से बात करूं मेरा मन करता है कि मैं कुछ चीज जो मुझे रियलाइज हुई है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं हालांकि मैंने ये नोटिस किया है कि मेरा हर दिन आप लोगों के पढ़ाने से बेटर हो जाता है इसीलिए मैंने शुरुआत करी थी मॉर्निंग क्लासेस की कि सुबह सुबह अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फुल ऑफ एनर्जी तो मेरा पूरा का पूरा दिन जो है वो काफी अच्छा गुजरेगा और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा हाँ ब्रेक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ा तो रहा हूं अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं बट फिर भी जो बच्चों की डिमांड है वो उससे कहीं ज्यादा है तो मुझे थोड़ा सा और अपने ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी अपने अंदर जाना पड़ेगा कुछ नई चीज खोज के निकालनी पड़ेगी और पढ़ाते हुए बच्चों को वो सब कुछ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे एक्चुअल में बच्चों की और ज्यादा हेल्प हो सके तो आपको कुछ बदलाव दिखेंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिट स्पिरिट आपको बिल्कुल वैसी की वैसी नजर आएगी एंड अगेन आप लोगों का साथ आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहा तो आप लोग देखोगे कि ये जो सिलसिला है वो और तेजी से और और ज्यादा बड़े स्केल के ऊपर आगे बढ़ता चला जाएगा राइट तो ये छोटा सा वीडियो था मैंने जो शेयर करना था वो आप लोगों के साथ में शेयर किया बट फिलहाल इसी के साथ साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा पहले से पहले, है ना? हम क्या क्या करने वाले हैं फर्स्ट जैन से पहले एक जनवरी से पहले बहुत ज्यादा दिन नहीं है बहुत लंबे टारगेट्स हमें कभी भी नहीं बनाने चाहिए आप नोटिस करना मैं आपको कभी भी एक मंथ का दो मंथ का ऐसा टारगेट बना के नहीं देता एक जनवरी से पहले का एक जनवरी न्यू ईयर है एक बड़ा दोबारा से इंट्रोस्पेक्शन करने का हमें मौका मिलेगा चीजों को देखने का हमें मौका मिलेगा तो अभी अपन यहां तक का टारगेट लेते हैं तो आज ट्वेंटी सिक्स है आज एक सेशन आपका पेंडिंग है सबसे पहले तो हम उस सेशन को कंप्लीट करेंगे तो आज ट्वेंटी सिक्स ऑफ डिसेंबर आठ बजे एट पी ठीक है आपके टॉप फिफ्टी एम होंगे ठीक है एमसीक्यूज इन एनएलएम ये सेशन ऑलरेडी मैंने अनाउंस किया था ये पेंडिंग चल रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इसमें आप लोगों की जो शिकायत थी कि मैंने एन पूरा पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स लिए वैसे कुछ और न्यूमेरिकल्स मुझे आपको करवानी चाहिए तो वो आपकी दूर हो जाएगी हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और बिलीव मी इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आता हुआ नजर आएगा तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ में बहुत अच्छे से कर सकते हो ठीक है फिर उसके बाद में अगर अपन आगे चलें तो ट्वेंटी सेवेंथ का दिन है हमारे पास में ठीक है ट्वेंटी एट्थ का दिन है हमारे पास में ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ का डे है हमारे पास में ठीक थर्टी दिसंबर है हमारे पास में और क्योंकि हम मॉर्निंग क्लासेस लेते हैं तो यहां पर हमारे लिए थर्टी फर्स्ट का डे भी अवेलेबल है क्योंकि आपको अगर कुछ भी करना होगा न्यू ईयर के चोचले के नाम पे, तो आप शाम में करोगे राइट तो इन सभी दिनों पर हमारी जो क्लास होगी वो हमारे परफेक्ट टाइम अब इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना पसंद करते हैं बहुत अच्छी बात है इस टाइम पर क्लास को लाइव कर देने का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि पूरा दिन होता है बच्चों के पास में जो लाइव नहीं देख सकते वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं उनको एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ चलो सर आज आए यूट्यूब के ऊपर और सर ने अपना काम कर दिया राइट तो ये जो टाइम रहेगा हमारा नाइन ए वाला मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइम है आप सभी लोगों के लिए भी काफी अच्छा टाइम है ये राइट तो इसका फायदा उठा सकते हो नाइन एम राइट अब होगा क्या ठीक है एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है मतलब सोचो हम किसी चीज को प्लान नहीं कर रहे बट फिर भी एक अच्छी चीज होने वाली है हमारे साथ यूजुअली क्या होता है यूजली क्या होता है मैं बच्चों को शिफ्ट करवा देता हूं एक खास चैप्टर के बाद में क्लास ट्वेल्थ के ऊपर जब मैं बच्चों को नीट और जेई की तैयारी करवाता हूं और वो चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी पावर तो वर्क एनर्जी एंड पावर ठीक है ये जो चैप्टर है इसको हम खत्म करेंगे इन पांचों दिनों के अंदर तो इसका आपको लेक्चर नंबर वन मिलेगा ठीक है इसका आपको लेक्चर नंबर टू मिलेगा इसका आपको लेक्चर नंबर थ्री मिलेगा और इसी के साथ में आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये भी आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएगी इसी चैप्टर का पार्ट है अगर अपन एनसीआरटी के हिसाब से चलें तो इसका आपको लेक्चर नंबर वन और इसका आपको लेक्चर नंबर टू मिलेगा राइट ये इस तरीके से हमारे पांच लेक्चर्स जो हैं वो होने वाले हैं अगले पांच दिनों के अंदर सर इसमें अच्छी चीज क्या होने वाली है अच्छी चीज ये होने वाली है कि अब मैं आप लोगों को ले जा सकता हूं क्लास ट्वेल्थ के अंदर तो फर्स्ट ऑफ जैन से फर्स्ट ऑफ जैन से आप लोग जिस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो मैं उस चीज को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा और उसका नाम है मिराकल सीरीज टू पॉइंट और इसकी जो शुरुआत होगी ना वो हमारी क्लास ट्वेल्थ के साथ में होगी क्लास ट्वेल्थ के साथ में होगी पहले हम क्लास ट्वेल्थ को यहां पर कंप्लीट करेंगे सर इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हो सकता है बोर्ड्स के एग्जाम में भी अपियर हो तो अभी हमारा जो फोकस है ना पहले वो क्लास ट्वेल्थ के ऊपर होना चाहिए एनी आपने मेरे साथ में एनएलएम पढ़ लिया आपने मेरे साथ में वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया तो इलेवेंथ की डिपेंडेंसी खत्म हो गई पहले हम लोग क्लास ट्वेल्थ की शुरुआत करेंगे तो क्लास ट्वेल्थ के साथ में हमारी शुरुआत होगी ठीक है और बहुत कम समय लगेगा इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा ठीक है ना बहुत कम समय लगेगा बिफोर योर एग्जाम्स मतलब बोर्ड के एग्जाम बोल रहा हूँ मैं ठीक है ना ताकि यहाँ पर दोनों ही तरीके के बच्चों की हेल्प हो जाए ठीक है हम लोग क्लास ट्वेल्थ का एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग किसकी शुरुआत करेंगे उसके बाद में हम लोग क्लास इलेवेंथ की शुरुआत करेंगे उसके बाद में हम लोग क्लास इलेवेंथ की शुरुआत करेंगे ठीक है मैंने बहुत ब्रीफ के अंदर आप लोगों के साथ में वो चीज शेयर कर दी जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं मैं इसको बहुत अच्छे से प्लान करूंगा डे बाय डे हर एक लेक्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ में प्रोवाइड करवाऊंगा ठीक है बट अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि हाँ ठीक है हो सकता है एक दिन का ब्रेक हो, हो सकता है दो दिन का ब्रेक हो ठीक है बट चीजें और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग सब्र बनाए रखें आप लोग यहां पर ये ध्यान रखें वॉट एवर प्रॉब्लम यू एंड मी वी आर फेसिंग वट एवर उसकी वजह से कुछ छोटी मोटी उठापटक हो सकती है लाइफ के अंदर तो अगर हिम्मत रखोगे तो एवरी प्रॉब्लम विल बिकम द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू दिस इज फ्रॉम माई साइड साइनिंग ऑफ राइट नाउ मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक, तक के लिए